असलकम गर नून एंड हेलो एवरी वन कैसे है आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आई हूँ लाइव और आई थिंक uh, कितने दिन बाद आई हूँ कोई काउंट करके बताएगा मैं आई हूँ काफ़ी दिन बाद लाइव आई हूँ मुझे अंदाज़ा नहीं है बट एम आई ऑडेबल प्लीज़ मुझे कोई बताए एम आई ऑडेबल फिर बहुत सारी बातें करनी है हमें Am I audible, please? तो इस वक्त जो मैं देख रही हूँ वो है सुधा एंड शुभम खत्री और म्यूट करती हूँ नोटिफिकेशन पहले Hmm. औरात अनी एंड रूबी शेख हमेरा ख़ान सदा आफरीन गाइज हूँ सब कुछ खैरियत है देख रहे होंगे बताएँ प्लीज़ तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइव बातें करते हैं फिर आप लोगों से तो कुछ इशू है समथिंग इशू भाई लिखो जल्दी जल्दी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रुक रहा है ये रुक रहा है डायरेक्ट आते हैं साइट से नहीं आते हैं। तो गाइस नेटवर्क इशू पता नहीं क्यों होने लगा है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैंने सारे नेटवर्क ट्राई कर लिए एयरटेल एंड आइडिया और पता नहीं कौन कौन से जियो फाइबर मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर लाइन नहीं जा सकती वहाँ गैस की लाइन पाइप लाइन है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक की लाइंस हैं तो वहाँ पर फाइबर नहीं आ सकता है ऊपर से तार लिया हुआ है कभी वो टूट गया कभी कुछ मैं मतलब परेशान रहती हूँ आप अभी थोड़ा सा पता नहीं नेटवर्क इशू क्यों होने लगे है इसी वजह से मैं लाइव नहीं आ रही हूँ आपको पता है लाइव आने के लिए आपको चाहिए होती है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो कि मेरे पास नहीं है बैड लक मेरा बैड लक खैर किरण बाला गुड आफ्टरनून आफ्टर लॉन्ग टाइम शिवानी दुबे हैव क्लासेस स्टार्ट अभी तो शुरू नहीं हुई है बस होने वाली है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस आई वॉन्ट टू टॉक यस श्योर रमनदीप आप बात कर सकती हैं कर सकते हैं कर सकती हैं कॉमन नेम है शिल्पा त्रिवेदी हाई हेलो हवाई यू तो बहुत सारा डिस्कशन करना है तो जैसे कि आपने देखा होगा सामने से जाना होगा कि स्टोरी बिहाइंड द ड्रेस तो हर एक ड्रेस के पीछे हर एक आ, कुछ क्रिएशन के पीछे एक वजूहत होती है एक इंस्पिरेशन होती है और ज़रूरियात होती हैं इन जो कि कहते हैं ना कि आविश ज़रूरत ही आविष्कारों की जननी है तो जब हमें ज़रूरत होती है तो चीज़ें इन्वेंट करी जाती हैं तो जैसे हमने ड्रेस बनाई तो उसकी भी वजूहत थी और उसकी ज़रूरत क्यों हमने बनाई क्यों ड्रेस बनी और उस ड्रेस में क्या रहा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ सम uh, टाइम हमें ज़रूरत होती है ड्रेसेस का ओकेजनली रिक्वायरमेंट होती है लाइक like, जैसे कोई फेस्टिवल है हमारे यहाँ कोई शादी फंक्शन कुछ इस तरीके का है तो फंक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ ड्रेस चाहिए होंगी ठीक है तो ये चीज़ें अब यही चीज़ें मैं डिस्कस करने के लिए आई हूँ जैसे कि ब्लैक ड्रेस थी इसकी क्या ज़रूरत थी देखिए इसकी कहानी है कहानी नहीं है ये लेसन है दिस इज़ अ लेसन और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है जो फैशन स्टूडेंट्स हैं जो फैशन को स्टडी करते हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइक like जैसे अभी मेरे पास ये, ये एड भी चल रहे हैं भाई कौन है ये hmm, क्या बोल रहे थी इसका क्वेश्चन है खुशी वंडरलैंड मैम आप आज फैशन डिज़ाइन क्लास स्टार्ट करोगे यस करने वाली हूँ आप लोग के लिए ंगलोर पी ए निशा अच्छा निशा मैंगलोर से हैं आप तो अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आप लोग का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है एड्स मुझे तो अब मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कि क्या चल रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम में आई हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि जो ब्लैक ड्रेस है ब्लैक ड्रेस के आपने टाइटल भी देखे होंगे लेडी विद अ ब्लैक ड्रेस है ना मिनी ब्लैक ड्रेस लॉन्ग ब्लैक ड्रेस कुछ इस तरीके के टाइटल्स दिए जाते हैं तो एक जो ब्लैक है वो एवर ग्रीन कलर है और ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है बहुत कम लोग हैं आई थिंक फाइव परसेंट लोग होंगे जो ब्लैक को लाइक नहीं करते हैं बट ब्लैक ड्रेस की अपनी खूबी होती है कि ग्रे कलर हैव देयर ओन क्वालिटी तो ब्लैक ड्रेस की क्या क्वालिटी होती है और क्यों वेयर करना चाहिए आपके वार्ड्रोम में क्यों होना चाहिए और ब्लैक को क्यों हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं एक तो कंट्रास्ट के लिए ब्लैक को यूज़ किया जाता है दूसरे शेडो पार्ट जो इनविजिबल करनी है वो ब्लैक के थ्रू होता है ठीक है तो ये अब जो हमने ड्रेस बनाई है जो आप थंबनेल में देख रहे होंगे तो उसका ये है, ये है कि ये है कलीदार कुर्ता कलीदार कुर्ता जो कि जो पैनल है जो इसका जो सेंटर का जो पैनल है वो उसके साथ में जो अटैच है टू और अटैच की गई है पैनल्स तो इस तरीके से उसको जो जॉइन करा गया है वो किया गया गोटे से अच्छा तो ओकेजनली वो बनाया था वो मैंने स्टूडेंट को सिखाने के लिए बनाया था आफ्टर उसके सिखाने के बाद फोटो में फ़ोटो शूट मैं ज़रूर कराती हूँ तो मैंने फ़ोटो शूट करा लिया और उसे ऑनलाइन डाल दिया जो कि काफ़ी अच्छा हॉट सेल बन गया तो मुझे आई थिंक मुझे यकीन नहीं था कि इस तरीके से वो सेल आउट होगा और इतना मशहूर हो जाएगा मैंने तो ऐसे ही कराया था बट uh, मुझे लगा कि आप लोग को भी स्टोरी बिहाइंड द ड्रेस क्या है स्टोरी क्यों इतना वो बनाया तो कलीदार कॉमन कुर्ता था फ़ोटो शूट हो गया ऑनलाइन डल गया और सर्च आउट में आ गया तो जा रहा है काफ़ी लोगों ने ऑर्डर किया और ऑर्डर आए दिन इसका रहता है तो ये तो स्टोरी रही मेरी ब्लैक ड्रेस की अब मैं क्यों आई हूँ लाइक like, मैं एक कोर्स शुरू करने जा रही हूँ जो समर कैंप है अब हम समर कैंप स्टार्ट करने जा रहे हैं और आई थिंक मैं कोशिश तो मेरी ये थी कि फिफ्टीन डेज़ का समर कैंप हो बट टाइम की शॉर्टनेस होने की वजह से मैं ये जो कैंप है ये सेवन डेज़ का ही रखूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये बढ़ सकता है तो टेन डेज़ का बढ़ सकता है एट डेज़ का हो सकता है बट ये जो समर कैंप है आपको पता ही है मैं हर साल समर कैंप रखती हूँ नेटवर्क इशू ज़रूर हो रहा है क्योंकि मैं भी अपने आप को क्लियरली नहीं देख पा रही हूँ तो समर कैंप मैंने स्टार्ट कर दिया है आप लोग सीखें और इसमें मैं पर्टिकुलर ड्रेसेस बनाना आप लोग को बताऊंगी तो जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो मैं बताऊंगी कुछ पांच छह ड्रेसेस हैं जो मैं आपको जिसकी इलस्ट्रेशन करना ड्राफ्टिंग कटिंग एंड एंड स्टिचिंग एंड आफ्टर उनका लुक कैसा होता है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में आठ दिन तक रेगुलर मैं आपके साथ में आने वाली हूँ समर कैंप में क्योंकि अब समर भी स्टार्ट हो गया है और कैंप तो लगना ज़रूरी है तो समर में हमें कैंप camp, कैंपिंग करना ज़रूरी होता है तो आप ऑनलाइन कैंपिंग कीजिए तो मेरे साथ में ऑनलाइन रहिए वैसे मैंने ऑफ़लाइन भी प्लान करा हुआ है एक अच्छे डेस्टिनेशन पे जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन समर कैंप के लिए तो आप लोग वो मेरा समर कैंप सेवन डेज़ का है बट वो वो पेड होगा ये फ्री है ऑनला जो ऑनलाइन है वो वो ये फ्री कैंप है बट जो ऑफलाइन कैंप है वो पेड है और थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि उसमें आपको मेरे साथ में ही स्टे करना रहेगा रहना पड़ेगा सेवन डेज आपका एकोमोडेशन एंड ऑल्स सो मैंने एक अच्छे डेस्टिनेशन भी तो प्लान किया है तो जो इंटरेस्टेड है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस कैंप के बाद में मैं ऑनलाइन कैंप के बाद में मैं ऑफलाइन कैंप कर रही हूँ आगरा इज़ अ हॉट प्लेस हॉट समर प्लेस तो आगरा में नॉट पॉसिबल किसी कूल प्लेस पर जाकर हम समर कैंप करने वाले हैं तो मुझे प्लीज़ आप बताइए कि मैं कौन से कूल प्लेस पर जा करके अपना समर कैंप ऑफलाइन समर कैंप को करूँ तो आप लोग डाल सकते हैं या लिख सकते हैं जगह का नाम लिख सकते हैं फिर मैं डिसाइड करती हूँ मैम कोर्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन देना या श्योर देखिए शिल्पा शिल्पा का सवाल है कि शिल्पा त्रिवेदी मैम कोर्स के बारे में आ, सब इन्फॉर्मेशन देना ठीक है इन को, कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दूंगी मैंने देखा है दी नेम बता दीजिए दीपेश कुमारी पूछ रही हैं कि दी नाम बता दीजिए स्वाति गोवा गोवा में जाके आप लोग काले हो जाओगे गोवा समर में मत जाना ठीक है गोवा नहीं जाएंगे। हम सी हम बीच साइड नहीं जाएंगे, हम माउंटेन साइड जाना चाहते हैं तो माउंटेन साइड के नाम बताओ ठीक है जगह का नाम यस जहाँ पे पहाड़ू तो आप लोग मुझे यहाँ लिख सकते हैं पहाड़ों में जा करके हम कैंप करना चाह रहे हैं तो आप देख लो कहाँ चल करके सेवन डेज हम लोग सीखेंगे इलस्ट्रेशन और हम लोग की एक हैंडी मशीन होगी हम लोग सूई धागा से सुई धागा से ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे पूरी हमारी टीम होगी हम शूट्स कराएंगे एंड ऑल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंपिंग बहुत मजा आएगा ठीक है तो आप लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं हमें ज़्यादा भी नहीं अगर आप लोग दस भी होंगे तो चलेगा अदरवाइज मैं तो जा रही हूँ कैंपिंग करने ठीक है तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें ठीक है थीके? तो शिल्पा का सवाल का जवाब दे दूँ शिल्पा देखिए मैं इसमें सिखाने वाली हूँ ट्रेडिशनल वेयर जो कैंप है ठीक है अब जो फैशन डिजाइनिंग है इट्स नॉट अ पार्ट ओनली जो आउटफिट ड्रेसेस इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक इयर ठीक है आपकी बैंगल्स मैंने बहुत किया है ब्रेसलेट है बट आप जो हैं आपको मैं ब्रेसलेट भी सिखाऊंगी किस तरीके से बनाया जाता है या फिर किस तरीके से बैंगल्स को बैंगल्स को भी सिखाऊंगी इवन मैं आपके फुटवेयर डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगी एंड आफ्टर सारा कंप्लीट आपका एक आउटफिट तैयार होने के बाद में आपका फोटो शूट किस एंगल से किस तरीके से किया जाए जो आपकी ड्रेसेस हाईलाइट हों जो आपका जो मटेरियल है जो असेसरीज है वो हाईलाइट हों ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं आपको याद होगा मैंने दो साल पहले बहुत अच्छा सा मेरा सक्सेसफुल गया था ऑनलाइन जो मेरा समर कैंप था वो बहुत ही सक्सेसफुल गया था और बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा तो आप लोग मेरे साथ में दार्जिलिंग कौन लेके जा रहा है वेरी गुड हाँ माउंट आबू भी बहुत अच्छा है दार्जिलिंग का प्लान मैं सोच रही थी यहाँ का प्लान करते हैं लक्ष्मी यादव सबसे स्टार्ट होने वाला है आज ये हम करने वाले हैं आज डेट है सिक्सटीन कल है सेवेंटीन तो हम स्टार्ट करेंगे बीस तारीख से आज से स्टार्ट हो गया बीस तारीख से क्यों आज ही से स्टार्ट हो गया डोंट वरी आज से रेगुलर क्लास होनी है सेवन डेज तक आप लोग परेशान नहीं हुए कल से आप इसी टाइम बारह बजे मुझे मिलिए यहीं मेरे यूट्यूब पर और सीखना शुरू करो सबसे पहले हम ड्रेस को करेंगे ठीक है ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं और जिसको कि ऑफलाइन करना है मेरे साथ में फैशन फैशन डिजाइनिंग का समर कैंप समर कैन फॉर फैशन डिज़ाइनिंग सेवन डेज पहाड़ों में जाकर माउंटेन में तो सीखना है मेरे साथ फ़ैशन डिज़ाइनिंग मुझे कांटेक्ट कर लो भाई और हम निकलेंगे मई फर्स्ट वीक में हम लोग निकलने वाले मई फर्स्ट वीक में तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं वो भी मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ में चल सकते हैं पहाड़ों में फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीखने ठीक है फिर हम एक अच्छी डेस्टिनेशन पर जा सीख सकते हैं फैशन डिजाइनिंग ठीक है तो दार्जिलिंग ये किसका है लक्ष्मी यादव कब से स्टार्ट होने वाला है आज ही से स्टार्ट हो गया है आज इंट्रोडक्शन है और आप लोग समझ लीजिए और आप लोग जो भी एक आपको अगले को सीखना है ना जिसको सर्टिफिकेट चाहिए तो गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा उसके लिए तो आप हमारा ये नंबर मैं दे रही हूँ यहाँ पे लिख दे रही हूँ अपना इंस्टीट्यूशन का इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए तो आपको गूगल फॉर्म भेज दिया जाएगा और उसमें आपको जाकर के अगर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में आपका आप फॉर्म भराया जाएगा आप फॉर्म भर दीजिएगा आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ठीक है ये है आपका तो और शिल्पा और कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क और कौन कौन पूछना चाहता है आप लोग पूछ सकते हैं कौन कौन पूछना चाहता है <coughs> शिवानी दुबे पूछ रही है ऑफलाइन सेशन के लिए कोई आगरा 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 आ तो सकते हैं बट आगरा इज हॉट प्लेस अभी भी हीट स्ट्रोक्स हैं जो आते हैं और मतलब बहुत ज्यादा आप लोग को वो रहेगा आप अगर चाहो तो अभी अभी मैं आगरा में नहीं सिखा रही हूँ मैं आगरा के बाहर ही कर रही हूँ तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ममता ओझा मैम फ्रॉम बहराना सर्टिफिकेट के लिए फीस भी लगेगी क्या देखिए बिना पैसे दिए तो कोई चीज़ हासिल होती नहीं है तो आई थिंक मुझे लग रहा है हंड्रेड रुपीज़ तो आप पे कर सकते हो ना हंड्रेड रुपीज़ तो पे कर सकते हो ना फ्री में मीन्स एक सर्टिफिकेट अलॉट करने के हंड्रेड रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे बस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा समर कैम्प साइन हुए और आप लोग ठीक है आई थिंक इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जो आपको दे दिया जाएगा ठीक है तो आप लोग पे कर दीजिएगा अगर करना है तो ये ऑफलाइन का है विद जिसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वैसा सीख लो जैसे सर्टिफिकेट चाहिए कैंप का सेवन डेज कैंप आपने करा था तो उसके लिए तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि वो मैं नहीं रखती हूँ वो जाता है जो हम जहाँ से सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं उतना आपको वहाँ पर हम लोग वहाँ पे सबमिट कराते हैं ठीक है ममता और कुछ पूछना है शिवानी मैम आगे रिस्ट्रिक्शन क्या शिवानी क्या कह रही है आगे रिस्ट्रिक्शन कहाँ के लिए कहाँ के लिए रिस्ट्रिक्शन शिवानी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कोई बात नहीं तो सीख लो सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत भी नहीं है डिग्री मुझे तो नहीं लगता कि मतलब डिग्री की इतनी वैल्यू है स्किल्ड होना चाहिए ठीक है आपको स्किल्ड होना बहुत जरूरी है जो भी जिसके पास में जो हुनर है ना उसको एक उसमें एक्सपर्ट हो जाओ आप लोग ठीक है तो अब ये सलमा नौशियाद नौशीद मैम इस ट्रेनिंग के बाद कॉलेज स्टूडेंट कहाँ कहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं इसमें लंदन यूनिवर्सिटी जा, जा सकते हैं आप बर्मिंगम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं आप सेवन डेज का सर्टिफिकेट लेकर के आप सलमान नौशीद आपको <laughs> इस ये सर्टिफिकेट इतनी दूर-दूर जाना दूर चाहते हो क्या हद हो गई है यार समर कैंप के में ये सर्टिफिकेट लेके कोई हायर स्टडी में जाता है क्या फिर आप ओके आपके तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे हद हो गई है हद हो गई है मतलब 7 डेज का समर कैंप का सर्टिफिकेट लेके हायर एजुकेशन के लिए कौन कहां जाना चाहता है क्या ये <laughs> क्या है सर्वनाशित प्रिंट करा जाए <laughs> आपका एक दिन की ट्रेनिंग लेकर के आपको क्या आई का जॉब मिल सकता है मेरा समर खेम का ओह माय गॉड मुझे हंसी आती है कभी कभी इसीलिए मैं लाइव नहीं आती हूँ आपके ऊट पिटांग सवालों में असमा भट मैम आगे रिस्ट्रिक्शन है कहाँ रिस्ट्रिक्शंस है पूरा लिखो ना मैम आगे रिस्ट्रिक्शन 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 किस किस को है शिवानी दुबे पूछा। और कुछ पूछना तो पूछो यार एक तो ये परेशान कर रहा है रहा है ठीक है तो फिर कल आप लोग अपना अपना देखिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा हम्म hmm. hmm. आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होना है पेजेस उठा देना पेजेस आपको चाहिए होगा ए थ्री साइज की शीट एंड कलर पेंसिल इरेजर शार्पनर ये चाहिए होगा सलमान एक बार इनका इंटर्नशिप का मतलब होता है काम कैसे क्या क्या काम क्या मतलब होता है कुछ काम ले सकें और सम अर्निंग कुछ सीख करके कुछ काम ही आता है ठीक है खाना बनाना सीख करके आप खाना बना सकते हैं कपड़े सिलना सीख करके कपड़े सीख सकते हैं तो कुछ काम सीख करके कुछ कर सकते हैं राइट सलमा समझ में आ गया सलमान रशीद आगे नहीं कह रही हूं ओके कोई नहीं चलो कोई नहीं होता है मैम उमर के बारे में उमर एक सेकेंड पूछ रही हूं उमर ओके ठीक है चलिए